परम सत्कारयोग सरदार भाग सिंह जी, एक्स एमएलए साहब, श्री विजय कुमार टिंकू जी, मार्केट कमेटियां दे प्रधान साहब, चेयरमैन साहबान, ब्लॉक समितियां दे चेयरमैन, मैंबर साहबान, सरपंच साहबान, अफसर साहबान, मेरे इलाके दे सत्कारयोग बजुर्गो, नौजवान वीरो, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। मैं अज तुहाडे विचकार तुहाडी कृपा सदका चमकौर साहब दे विच सिंघां शहीदां दी कृपा सदका फतेहगढ़ साहब सिंघां शहीदां की कृपा सदका वाहगुरु की कृपा सदका तुहाडे विचकार मुख्यमंत्री दे तौर ते आया है। मैनू इस गल का माण है कि मैं चमकौर साहब तो एमएलए बनदा है, तुसी मैनू नवाज दिओ। चमकौर साहब की धरती पवित्र धरती है, जिस वास्ते अल्लाह यार खान ने कहा कि घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जर्रों में, सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। उस धरती ते मैनू सेवा करन दा मौका मिलिया है। वाहगुरु की कृपा है, सिंघां शहीदां बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की कृपा है। क्योंकि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। यही गरीबां नूं नवाजण वाला है तुहाडे विचकार तुहाडे दिलां च वस के। मैनू गरीब नूं तुसी तीन वार एमएलए बनण दा मौका दिता है, माण दिता है। मैं तुहाडे ते पैरां सिर रख के तुहाडी धूड़ नूं मत्थे नाल ला के तुहानूं नमस्कार करदा कि तुसी हलका चमकौर साहब दे लोकां ने मैनू नमाणे नूं माण दिता है। तुसी एमएलए बनाया तां मैं मुख्यमंत्री बनिया, सो बाबिआं दा करम है, उहनां दी किरपा है, वो तुहाडे दिलां च वस के मैनू मुख्यमंत्री बनाउण तक पहुंचाया। इह मैं नहीं बनिया, हलका चमकौर साहब दा इक इक बच्चा बच्चा इक इक वोटर मुख्यमंत्री है। अज तुसी सारे मुख्यमंत्री हो, तुसी जो मैनू माण दिता सी, तुहाडी चिट्टी पग नूं मैं चिट्टी रखी है, तुहाडी बख्शी हुई कंबली नूं साफ सुथरा रखे है, नेक नीति नाल काम कीता है, इमानदारी रखी है ताकि तुहाडे ते मेरा कोई चिट्टा इहो जिहा ना पवे जिहदे नाल तुहाडे मेरे तो बदनामी आवे। और इसे तरह रखांगा, तुहानू विश्वास दवाना है, क्योंकि असली मेरे माई बाप तुसी हो, तुहाडे मेरे नानके दादके, तुसी मैनू माण दिता है। लेकिन ये माण टुटेगा नहीं, जान जा सकती है लेकिन गलत काम नहीं करांगा। गुरु ने माण बख्शे, गुरु दे बेअदबी करन वालियां लई किसे तरह की ढिल नहीं होएगी। लत्तां कट जाणगियां लेकिन लड़ खड़ाउणगियां नहीं, मैं तुहानूं विश्वास दिवाउणा। इसलिए तुसी तुहाडा विश्वास
जो मेरे इलाके ने मेरे ते किता है। पहली बार मैं आजाद खड़िया, तुसी गरीब का जहाज आजाद चढ़ाता, जहाज चोंड छाण मिल गया। मैं क्या यार गरीब का भी जहाज चढ़ा दो, तुसी चढ़ाता, थोड़े ताकत है, तुसी पछाण दे हो, तुसी प्यार दिता है। पहली बार 1700 वोटां नाल तुसी जिताया सी आजाद नूं भी, दूसरी बार 3 गुणा करती, तीसरी बार उन्हों 3 गुणा करता, 12,500 पर पिछली बार जितया। ऐत की पार्लीमेंट आई तो 21,500 पर पचाता। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं थोड़े चरणों की धूड़ है, तुसी मनु प्यार दिता है, मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। चमकौर साहब सब तो पिछड़े हुआ इलाका मानते सी, आज 4 महीने विच ऐ हो जाना कमरे, सब तो उपर आ जाना इलाके ने। कोई काम है थोड़ा ये समझ लो भी मुख्यमंत्री दे कुर्सी ते बैठे है, तुसी दसो भी अफसर पिंडा च भजे फिरदे कि नहीं, पुल बांडा दरिया ते देखिया तुसी किस तरह चहल पहल लगी भी है, बन लग गया कि नहीं, अंडर ब्रिज बन रहा है, अज रेलां रोकिया हुई है, अज इत्थे नूं कोई रेल नहीं आ रही। यह बहुत औखा है कि रेलां नूं सारे दिन वास्ते रोकना है, सिर्फ थोड़े वास्ते रुकिया हुई है कि मरंडे दे चमकौर साहब दे लोकां दा अंडर ब्रिज है जिहड़ा रेलवे फाटक है जिहड़ा हर टाइम लग्या रहिंदा है, इहदे अंडर ब्रिज बनाना है। अज पूरे इस एरिए दीआं पंजाब दीआं रेलां इस करके रुकिया हुई हैं कि साडा जिहड़ा अंडर ब्रिज है वह थले नूं ढकना है। अज यह क्रांति थोड़े करके आई है, यह क्रांति गुरु लेके आया है, यह युग परिवर्तन होया है, और यह युग परिवर्तन समाज दे विच सूबे दे विच परिवर्तन लेके आएगा, इस गल की मैं तुहानू गरंटी दिंदा। गरीब की सुनवाई होएगी, मिडिल क्लास की सुनी जाएगी, अमीर नूं इंसाफ मिलेगा, लेकिन किसी दे नाल धोखाघड़ी नहीं होएगी, किसी एक भी बंदे नूं बिना कारण बिना दोष तो बिना गलती तो 1 घंटा भी थाने च बिठाया नहीं जाएगा। यह मैं बोल रहा, यह मैं थोनों गरंटी लिख के दे रहा। अपने इलाके जिनी देर का मैं तुसी मैनू सेवा दी, 15 साल सद्भावना रही, किसी बंदे नूं गलत परचा नहीं होया। फिर भी मैं कहना 15 साल दे विच मेरे जे कोई 1 भी गलती हुई है तो मैनू माफ करो, अज परचा कैंसल कराओ, अज मेरे पास सारी पावर है, जे किसी नाल गलत होया मेरे पास आ जाओ, मेरे किसी बंदे नूं दस दो, किसी सरपंच नूं दस दो, लेकिन 1 भी बंदा उहदे नाल बेइंसाफी आपां ने अपने इलाके च नहीं होण देनी, पूरे पंजाब च नहीं होण देनी। सब नूं इंसाफ होना चाहिए, पुलिस साडे इंसाफ वास्ते है, पुलिस साडी रखवाली वास्ते है, लेकिन थाने कचहरियां दे विच साडे पंच सरपंच साडे लोकां नूं इज्जत मिलनी चाहीदी है, उन्हां नूं प्रयार सत्कार मिलना चाहिए है। पंच सरपंच जावे उन्हूं कुर्सी मिलनी चाहीदी है, मालक पंजाब दे लोक है, मालक पुलिस नहीं है, मालक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इस करके एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वह सिपाही है, चाहे SHO है, चाहे SSP है, चाहे DGP है, चाहे वह कोई भी अफसर है, वह कर्मचारी बन के इलाके के लोगों को इंसाफ दवे। ये कोई दो राय नहीं है, सीधिया हदायत है। और नौजवान वीरो खड़े हो जाओ, खड़े हो, तुसी गलत गल बर्दाश्त ना करो,
करप्शन बर्दाश्त ना करो। कोई गलत गल होंदी है तो नौजवान खड़ा होवे, थोड़े पास हुण तो सौखा जा काम हो गया, जदे वीडियो बनाओ, दो मिनट च मेरे तक आउंदी है, जदे एक्शन हो जाएगा। गलत काम नहीं होण देना, रिश्वतदारी खत्म करनी है। सो मेरी अपनी लहर है, अंदर दे जज वे है, जेड़े दबे हुए है किन्ने सालां तो वो निकल रहे है, लेकिन ये जज्बात एक क्रांति पंजाब दे विच लेके आणगे। एक क्रांति आने वाले दिनों दिखेगी कि निजाम चेंज होया है, लोकां दा राज आया है, धक्के दा राज नहीं होएगा। मेरे पास आ जाओ, तुहानूं हुज्जा नहीं बजूंगियां, मिलो आके, अद्धी रात नूं आ जाओ। पटियाले ते डेयरियां वाले आ गए रात नूं 12:30 बजे, बाहर खड़े, मैं बाहर जाके मिलिया, मैं कहा दसो, बंदा रोण लग गया, कहिंदा 4.5 साल च नहीं किसी ने बढ़न दिता अंदर, तू बाहर आके मिल रहा, रोण लग गया, लोग तरसे पए है। इस करके मैं प्यासा है, मैं तुसी कुआ हो, मैं थोड़े को तैयार है, मैं थोड़े को आना है, दसो क्या काम है, मैं करना है। गरीबां दे कर्जे की गल है, सोसाइटियां दे कर्जे की गल है, 2,85,000 परिवार का असी कर्जा माफ कर रहे, जिन्होंने 25,000 तक का कर्जा लिया, चाहे वह 30,000 हो गया क्योंकि पैसे है नहीं सी नहीं दे पाए, चाहे 50 हो गया, चाहे 75 हो गया, ब्याज भी सारा माफ, सूद भी माफ। अपने इलाके के 7,445 परिवार है जिन्हों का अज असी चैक बना के लिया है, थोनू दे रहे। टोटल पंजाब के 2,85,000 परिवार है, 520 करोड़ कर्जा है, तो अपने इलाके का 12,73,00,000 रुपया कर्जा है, जिदे पर अज ही लीक मारती है, थोनू चैक दे देने, अपने जमा करा दो। सोसायटियां भी कामयाब हो जानी है, क्योंकि जड़िया सोसायटियां अपने इलाके बनिया हुई कर्जा दे बैठी, मुड़िया नहीं, सोसायटी घाटे में चल रही, जदों कर्जा मुड़ जाना सोसायटी भी बहाल हो जानी है, तो उन्हें पिंड के काम वधिया करन लग जाने, थोड़ी सोसायटी तकड़ी हो जाएगी, पिंड तुसी तकड़े हो गए। सो ये डबल फायदा है, कर्जे पर लैन वज गई, रात को नींद आनी शुरू होगी कि मेरे पर कर्जा खड़ा है। गरीब आदमी पर तो 2,000-5,000-10,000-15,000 कर्जा होवे, उहदे ते नींद नहीं आती। इस करके असी वो सारा कर्जा माफ कर रहे। सो इस दे नाल ही अपने लाल लैन है, पिंड बस रहा है, लाल लैन के अंदर कोई मालके नहीं, वो सिस्टम नू खत्म करके ऐसी अज ड्रोन लेके आए हैं, बहुत जबरदस्त स्कीम बनाई है कि उपर से ड्रोन चला के सारे पिंड की फोटो उतार लेनी है, जेड़ा जिथे बस रहा है, जेड़ा जिदे काबज है, सरपंच नंबरदार पंचायत दे के उन्हों उदा मालिक बना देना, उन्हों सन्नत दे देनी है, ते अगे नू जे किसी गरीब ने लोन भी लेना है तो अपनी जगह रख के ले सकता, जमीन तो है ही नहीं उसे नू लेके ले सकता, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ट्रक पा सकता, कोई कार पा सकता है। हुण जे किसी ने मुंडे ने ट्रैक्टर लेना है, रेता ढोना है, तो वो कहते जी तुसी कोई रजिस्ट्री लियाओ, रजिस्ट्री कोई है ही नहीं, गरीब आदमी को कितने रिश्ती, मिडिल क्लास को कितने रिश्ती, ये असी थोड़े नाम कर देने, हुण सन्नता बना देनी, थोड़ा पक्का नाम हो जाना, उहदे वास्ते अज असी अपने इलाके दे विच काम शुरू कर रहे, पूरे पंजाब दे विच बाद च करना है, पहला अपने इलाके तो तुरना है, तो इलाके दे विच असी ड्रोन सिस्टम दे नाल सारयां दी जायदाद देख के जिथे जिथे उहदा लाल लैन जगह जिनी जिनी है उन्नी उन्नी दी रजिस्ट्री बना के सन्नत बना के ऐसी उन्हां नूं दे देनी। यह काम अज शुरू हो गया है, सारे पंजाब च असी कर रहे हैं, लाल लीला लैन दे अंदर दे झगड़े खत्म हो जाने, जिहड़ी सांझी जमीन पई उह सांझी रहेगी फिर बाद दे विच, नहीं तो सांझी वाली नूं भी कई दबन दे टोबियां दे विच अगे वधी जांदे, वह भी काम खत्म।
टोबे की जिनी जमीन है टोबे वास्ते रहेगी, कोई सांझी जमीन है वह सांझी रहेगी, जेड़ी जेड़ा जिदा जिदा प्लाट है उन्ना उन्ना उहदे नाम हो जाना, जिन्नियां गलियां उन्ना दे नक्शे बन जाने, सारे पिंडां दे ऐसी नक्शे बना रहे, पिंडां दे बाहर दे भी नक्शे बनणगे जे पिंड ने बदना। इस तरह शहरां दे विच चमकौर साहब अपने बंगाला बस्ती है, आ बलदेव नगर है इत्थे, इन्हां दे जमीनां इन्हां दे नाम ही नहीं हो रही, आ बैठे बलदेव नगर वाले लै भी अज ते थोड़ा काम हो गया। बंगाला बस्ती दे जिन्ने लोग रह रहे हैं पंचायत की जमीन पर बैठे है उन्होंने रजिस्ट्री उन्होंने बना के दे रहे हैं, सनदा लिख देनी है। बलदेव नगर के जिन्हें बंदे बैठे है जिन्हों की जेडे पुराने कागज अपने घर बनाए हुए है उन्होंने जमीन उन्होंने दे रहे हैं, ऐसी दनदा बना के दे रहे। पिंडा वाले भी शहर वाले भी ला लैन के अंदर जिथे जिथे कागज जिथे जिथे उन्होंने घर है पुराना 50 साल तो चले आ रहा वो उन्होंने नाम करके उन्होंने रजिस्ट्रिया करा रहे। सो अज इस काम थोड़े विचकार हाजिर होया, थोड़ा बड़ा धन्यवाद है, तुसी सारे जाने आए हो इत्थे, असी अज थानू सारे चेक दे देने 25 बंदियां असी स्टेज पर बुला के देवे, बाकी थानू इत्थे फड़ा देंगे या थोड़ी सोसाइटी थोड़े घर पहुँचा देगी या थोड़ा सरपंच पहुँचा देगा, पर अज थोड़े कर्जे है जिहड़े वो थोड़े वापस हो जाएंगे। सो थोड़ा सारयां दा आने लई बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी ये समझ लो भई थोड़ा मुंडा थोड़ा भाई छोटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, ईमानदारी नेक रीति सद्भावना चंगे माहौल दे नाल चंगी भावना रख के सही काम जेड़ा है वह करवा लो, कोई काम नहीं रुकना। सारे पिंडां दे अपने पहले ही पक्के हो चुके हैं, होर पिंडां नूं ग्रांटा दे रहे हैं। बेले का पुल बड़ी लंबी डिमांड सी, 114 करोड़ रुपया पास करता, मौके पर जमीन अक्वायर कर लगे है, 70 लाख रुपया जिमीदार नूं मिलना है, उन्होंने समझौता करके दसिया जिन्ने जमीन उहदे च आएगी उन्होंने 70 लाख रुपया प्रति एकड़ दे रहे, तो यह पुल बन लग्या बेले तो लेके मरिंडा सरांता के GT रोड बन जाना है, तो अपना इलाका GT रोड के उपर आ जाना है, चमकौर साहब तो होर सारे पिंड तरक्की का रास्ता खुल जाना है। इस तरह अपना अंडरब्रिज बन रहा है, 2 ITI कॉलेज बन रहे, एक रसूलपुर ते एक बन रहा है तिरपड़ी, दोनों के भी स्टेडियम बनने, बहुत सारे 5 पिंडां दे विच मैरिज पैलेस बन चुके हैं। सो ये तरक्की दे काम ऐसी अगे खोल रहे। मरिंडा शहर दे विच पानी मैं हुण रहण लग्या मरिंडे, एक तो सौखा हो गया कि हाथ सारे जाने मैनूं मरिंडे ही मिल लैंदे, पानी बड़ा माड़ा है उपरला, इस करके कजौली वाटर वर्क्स तो पानी जिस तरह चंडीगढ़ नूं जांदा है उस तरह हुण मरिंडे नूं पानी असीं देण लगे हैं, इत्थे जगह अक्वायर कर लेनी है। तुहाडे पिंडां वास्ते जिथे जिथे पानी की मार है नहर विच ते पानी देण दा सिस्टम तैयार करन दे ऑर्डर कर दिते है, पिंडां नूं पानी नहर तो भी देवांगे जिहड़े ट्यूबवैलां चों नहीं दे सकदे। बहुत वड्डियां वड्डियां स्कीमां असीं लेके आ रहे। यूनिवर्सिटी अज तक जलंधर है, अमृतसर है, पटियाले है, बठिंडे है, हुण अपने इलाके च यूनिवर्सिटी बन रही है 42 एकड़ दे विच, 100 करोड़ का टेंडर लग चुके है, 500 करोड़ रुपया मंजूर करता, अपने इलाके च यूनिवर्सिटी बन रही चमकौर साहब। सो सत्कारयोग वीरो मौका है मेरे नाल लग के इलाके की डिवेलपमेंट कराओ, सरपंच पंच एक एक ट्रक भेज दो UP नूं, लेबर चक के लियाओ उत्थे दे, सारे पिंडां च लेबर नहीं कटनी चाहिए, पैसे मैं नहीं कटन देने, तकड़े हो जाओ सरपंच साहबान भी ब्लॉक समिति के मैंबर भी MC भी म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान भी, आपने एकदम विकास के वालू लेके जाना इलाके नूं, बड़ा विकास इलाके च हो रहा है, इस नूं अगे वधाना है, थोड़े सहयोग की लोड़ है, थोड़े थापड़े की लोड़ है, नौजवान इस वल अगे वधणगे। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, सारयां दा बहुत धन्यवाद, खास तौर पर पत्रकार साहबान का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ने जज्बाती उन्होंने दिल चो निकले अलफाज अपने इलाके लिए जो उन्होंने भी दसे ने,
भी किमें सतलुज के पुल बन के पुआध तो दुआबे का सुमेल होगा तो यह इलाका जी टी रोड के उत्ते आ जाएगा। उस दे नाल ही यूनिवर्सिटी समेत जो जो उन्होंने बड़े ऐलान इतने किए ने आने वाले तीन महीनों में तुहाडे इस इलाके की काया कल्प होने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री जी दे चन्नी साहब दे असीं धन्नवादी हाँ। तो हुण बेनती करते हैं जो अपनी रसम सब तो महत्वपूर्ण रसम सारी संगत नूं बेनती है 10 मिनट का समागम है किसी ने इतों हिलना नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण इतों असी दो प्रोजेक्ट जारी होने लगे ने। हुण मुख्यमंत्री जी नूं बेनती है तो नाल मैडम अरुणा चौधरी जी नूं ओह मंच ते आउण ते ओह जो खेत मजदूरां ते बेजमीने किसानां नूं करजा राहत दे प्रमाण पत्र इस मंच तों तकसीम किए जाने ने असी नाम बोलांगे ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਇਉਂਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਨਖੇੜੀ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਡੌਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਤਾਰਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤੂ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਜਲਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਜਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਮਕੜਾਉਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਲੇਮਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮਚੰਦ ਪਿੰਡ ਸਮਾਣਾ ਕਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੇਲੂ ਮਾਜਰਾ ਅਗਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢੰਗਰਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਜਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਕੜਾਉਣਾ ਸਲੇਮਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤੌਤ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਇਉਂਦ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਣਾ ਕਾਂਜਲਾ ਅਗਲੇ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢੰਗਰਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਨੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢੰਗਰਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਮਾਣਾ ਕਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੇਲੂ ਮਾਜਰਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤੌਤ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਨੌਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੰਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਹੇੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ ਇਹ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ
हक जिहड़ी लाल लकीर दे मालकी दे हक दे सर्टिफिकेट दो रिलीज़ किए जाने ने मंच ते लैके आंदे जाण जी। रेवन्यू डिपार्टमेंट जिहड़े लाल लकीर दे मालकां नूं सर्टिफिकेट दे ओ जारी किए जाने उस तों बाद दो लाभपात्रियों नूं दित्ते भी जाने ने। मैडम सोनाली गिरी डिप्टी कमिश्नर श्री रूपनगर तुसीं प्रबंध देख रहे हो बहुत ही आला प्रबंध इन्हां दी अगवाई विच बहुत ही बेहतरीन समागम। मैडम श्री श्रीमती सोनाली गिरी ते उन्हां दी समुची टीम दो जिहड़े हैगे ने मालकी दे सर्टिफिकेट रिलीज़ किए जा रहे हैं ते दो उन्हां दे लाभपात्री ने गुरमीत सिंह पुत्र बाबा सिंह पिंड बजीदपुर ते नरिंदर सिंह पुत्र अजीत सिंह पिंड बजीदपुर। मुख्यमंत्री जी ने जिहड़ा तुहाडे नाल गल कीती है लाल लकीर वाली उन्हां दे सर्टिफिकेट दो पिंड वासियां नूं जारी भी कर दित्ते ने। इक जकारा ला दिओ बोले सोनेहा क्योंकि शहीदां दी धरती है ये जकारियां बिना इत्थे समागम थोड़ा जिहा हो रहिंदा है। आपां शहीदां दी धरती दे तुसीं वारस हो ते हुण इक ग्रुप फोटो होण जा रही है। ये 25 लाभपात्री ने ते दो जिहड़े लाभपात्री लाल स्कीम दे इन्हां नूं बेनती है भी बहुत ही ये फोटो कल दे अखबारां 'च तुसीं सारे देखोगे ते हुण लाइव टैलीकास्ट इहदा हो रहा है। 27 जणे जिहड़े हैगे ने 25 हैगे ने करजा राहत वाले दो हैगे ने जिन्हां नूं मालकी दे हक लाल लकीर मालकी दे सर्टिफिकेट दित्ते गए ने ओह उन्हां नूं बेनती आ भी उपर आउण इक ग्रुप फोटो इत्थे करवाई जाएगी मुख्यमंत्री जी दे नाल। इह मुख्यमंत्री जी ने अज 2,85,000 खेत मजदूरां दे बेजमीने किसानां दे 520 करोड़ रुपए की करजा राहत की लड़ी तहत अज श्री चमकौर साहब हलका जो शहीदां दी धरती है उहदे जिहड़े बाकियां नूं बाद च अफसर साहिबान जां सोसाइटियां विच दित्ते जाणगे उहनां दी करजे ते लकीर फेर दित्ती गई है ते उह करजा उहनां दा हुण सरकार भरेगी क्योंकि जदों किसानां दे करजे माफ कीते सी तां मुख्यमंत्री जी ने यह आवाज़ उठाई सी कि जिहड़ा खेत मजदूर है ते बेजमीना किसान है उह भी इक जिमीदार दी खब्बी दे सज्जी बांह है उन्होंने करजे क्योंकि बहुत थोड़ी अमाउंट ने पर उन्होंने ये करजे की पंड बहुत भारी सी वो अज मुख्यमंत्री जी ने ये लकीर फेर दी गई है तो यह बहुत ही इतिहासक ते यादगारी पल एक यादगारी फोटो मुख्यमंत्री जी दे नाल पंजाब दे रेवन्यू मिनिस्टर मैडम अरुणा चौधरी ने ते उन्होंने नाल होर बहुत ही शख्सियतां मुख्यमंत्री जी दे स्पैशल प्रिंसीपल सैकटरी श्री राहुल तिवाड़ी जी भी उन्होंने नाल ने सारे जी आखते हैं। तो हुण मुख्यमंत्री जी बाहर पंडाल दे ड्रोन दे नाल इस सर्वे की शुरुआत करनगे ते सारी संगत नूं बेनती है तुहाडे